हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार, आपका कार ड्राइविंग ट्रेनर। आज हम यह बताएंगे कि क्यों हमें इंडिया में जो कार ड्राइविंग करनी है राइट साइड में स्लो नहीं करनी। देखो, जब भी हम कार स्लो चलाते हैं तो हमें लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। यह राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। जैसे पैदल चलने वाले हैं उन्हें लेफ्ट साइड रहना चाहिए क्योंकि स्लो चलते हैं। साइकिल वाले हैं उन्हें लेफ्ट साइड रहना चाहिए, स्लो चलते हैं। वैसे ही बाइक है, स्लो चलती है तो उसे लेफ्ट साइड रहना चाहिए। तथा इसी तरह जो स्लो कारें चलती हैं जिसकी स्पीड 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे लेफ्ट साइड चलना चाहिए। अब क्यों चलना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, लेफ्ट साइड इसलिए बना है जो सबके लिए है। जिसको ड्राइविंग आती है, ड्राइविंग नहीं आती, ड्राइविंग सीख रहे हैं, राइट साइड है प्रोफेशनल ड्राइवर्स के लिए। अब क्या होगा कि एक ड्राइवर जा रहा है 90 की स्पीड में, 80 की स्पीड में, 100 की स्पीड में, 120 की स्पीड में। प्रोफेशनल ड्राइवर है, कार पे जा रहा है। अब जो स्लो है जिसकी स्पीड 40 है वो हो जाता है राइट साइड में, स्लो चल रहा है। अब उसको तो दिक्कत आ गई ना, जो कारें 100-120 की स्पीड में जा रही थी उनको अपना रूट चेंज करना होगा क्योंकि वो स्लो कार वाला राइट साइड में आ गया। तो वो चेंज किया रूट, फिर देखा कि एक दूसरा पागल है, वो स्लो चला रहा है, राइट साइड में चला रहा है। तो जो ट्रैफिक स्मूथली है 100-120 में जाती है, फिर राइट उसको घूमना पड़ता है, तो इस तरह से एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आप स्लो चलाइए, अगर आप उसको राइट साइड में लेके जाओगे जाओगे तो बहुत स्पीड से जाने वाली कार को दिक्कत होगी। अगर वो अपसेट है ना तो भाई वो तो आप में कार को ठोकेगा ही ठोकेगा। इसलिए एक सिद्धांत बना लो, स्लो कार चला रहे हो अपने लेफ्ट साइड रहिए, कार को बहुत स्पीड से चला रहे हो राइट साइड रहिए। यदि आपकी स्पीड 70-80 की है तो राइट लाइन, अगर आपकी स्पीड 50 से कम है तो लेफ्ट लाइन। बहुत सिंपल सा फार्मूला है क्योंकि दो तरह के स्पीड इस टाइम है। स्पीड तेज है तो राइट साइड, स्पीड कम है तो लेफ्ट साइड। बट अगर आपको ड्राइविंग अभी सीख रहे हो तो आपको राइट साइड जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी मिस्टेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपका भी एक्सीडेंट होगा और दूसरा अपसेट होने की वजह से वो अगर बार बार घुमाता है, मींस आप राइट साइड आ गए, स्लो चला रहे हो क्योंकि उसने तो छेती जाना है अपने डेस्टिनेशन पे, अपने गोल पे, तो वो कोशिश करेगा, हार्डवर्क करेगा आपको क्रॉस करने की। अगर उसे ऐसे 10-20 व्यक्ति मिल जाते हैं जो राइट साइड में स्लो चला रहे हैं तो उसका ध्यान भटकेगा, वो आप में कार को ठोकेगा। इसलिए बेस्ट यही है कि जहां स्पीड तेज चाहिए वहां आप स्पीड तेज चलाइए, जहां स्पीड कम चाहिए चाहिए उस वहां स्पीड कम दीजिए। लेफ्ट साइड में स्पीड कम, राइट साइड में स्पीड ज्यादा। आज से पहले अगर आपने ऐसी गलती कर ली है तो इसके बारे में मत सोचिए, व्हाट हैपन, या मैंने तो, सर ने तो मुझे ये कह दिया, अब क्या होगा। अभी आपके पास फ्यूचर है, प्रेजेंट है, ये सोचिए आप क्या कर सकते हो। जो आपके टीचर ने यानी मैंने आपको समझाया वो आपने फॉलो करना है। जो बीत गया सो बीत गया, हमें कोई सबक नहीं मिला। जो यहां से सबक मिला है उसके हिसाब से आपने एक्शन करना है तो आपकी जो गलती थी वो इंप्रूव हो जाएगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू।